जिला अस्पताल में सुविधा न मिलने से मौत। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदेश के हर जिला अस्पताल को आधुनिक एवं हर व्यवस्थाओं से परिपूर्ण करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में सब कुछ खोखला है। डॉक्टर ऐसी कमरे में बैठे रहते हैं और छोटे कर्मचारी उनकी अर्दलीगिरी करने में जुटे रहते हैं, तो वही गरीब आदमी इनके कार्यालय के चक्कर काटते नजर आते हैं। मामला है उमरिया जिला अस्पताल का, जहां पर एक बुजुर्ग ने अव्यवस्था का शिकार होकर दम तोड़ दिया। बुजुर्ग के परिजन डॉक्टर की तलाश करते रहे और डॉक्टर अपनी फॉर्मेलिटी में व्यस्त नजर आए। दरअसल हुआ यूं था कि सीने में दर्द की शिकायत लेकर इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंचे खुशीलाल विश्वकर्मा को ऑटो से उतारा तो जरूर गया, पर अस्पताल में वार्ड बॉय और स्ट्रेचर नदारद रहे, जिसके कारण बुजुर्ग मरीज ने अस्पताल की चौखट पे ही दम तोड़ दिया। ये मैं यहाँ से लेके आया, हॉस्पिटल के अंदर आया तो पर्ची कटाने के लिए गए, तो पर्ची कट गई। वहाँ की वो जो हड्डी के डॉक्टर है, क्या नाम है उनका, नाम मेरे को ध्यान नहीं है, वो बोलते हैं इमरजेंसी केस में जाओ, सोनी जी बोले। इतने में तुरंत मेरे पिताजी की वो हो गई, मृत्यु हो गई। यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं हुआ, कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, कुछ दिए ही नहीं। बोलते हैं इमरजेंसी केस में जाओ, इतने में टेबल छोड़ के अपना चले गए। कोई नहीं आया है यहाँ, कोई नहीं आया, ना डॉक्टर आया ना कोई आया, कोई देखने भी नहीं आया, कोई नहीं आया। इस घटना के बाद जहाँ परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया, वहीं अस्पताल प्रबंधक वार्ड बॉय को बचाते हुए गलतियों पर पर्दा डालते नजर आए। लेकिन सिविल सर्जन डॉक्टर बीके प्रजापति ने स्वीकार भी किया कि हम देखते हैं और व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। हद तो तब हो गई जब जिला अस्पताल में होने वाले हर रोज के ऐसे घटनाक्रम पर जहां जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जनसंपर्क के माध्यम से सोशल मीडिया में ऐसी अव्यवस्थाओं की खबरों पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टे मीडिया पर ही हर एक खबर पर खंडन की खबरें छपवाई जाती हैं, जो स्वयं ही जिला अस्पताल और जिला प्रशासन की नाकामी का जीता जागता सबूत है। अभी ये जो खुशीराम विश्वकर्मा जी जो अभी जिनकी मौत की चर्चा कर रहे हैं आप, जो जिनकी डेड बॉडी बाहर पड़ी होती है, उसके ठीक पहले एक पेशेंट आया था हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, उसको वार्ड बॉय वगैरह लेके आए थे यहाँ पे स्टेशन पे अपने कैजुअलिटी में रखे थे। उसके बाद हो सकता उस समय वो आया हो तो मुझे नहीं आइडिया है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे नहीं था, ओटी में था, और हो सकता उस समय ऐसा कुछ गैप रहा हो कि उस समय वहाँ पे अवेलेबल ना हो पाया हो वार्ड बॉय, क्योंकि वो वार्ड बॉय यहाँ पे पेशेंट को लेके आया था स्टेशन पे। नहीं सर, वार्ड बॉय तो रहते हैं, उन लोग बराबर सेवाएं भी देते हैं, मैं इसको देखूंगा और अच्छे तरह से क्यों नहीं कर रहे हैं, वार्ड बॉय को भी और दुरुस्त करने की जरूरत है, उसको मैं करता हूँ। गौरतलब है कि जिला प्रशासन मीडिया में दिखाई जा रही खबरों को झूठा बता रहा है, और वही लाखों की दवा जहाँ रखी है उस कमरे में छप्पर टूटी हुई है और पूरा पानी उन्हीं दवाओं पर गिर रहा है। बाद में वही खराब दवाएं मरीजों को खिलाई जाएंगी, लेकिन सरकार के ईमानदार नुमाइंदों को ये बर्बादी नजर नहीं आ रही है। नजर आ रही है तो बस मीडिया की दिखाई जाने वाली खबरों के विरोध में अपनी ईमानदारी प्रदर्शित करना। उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।